सलाम नमस्ते दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे डायरेक्टर नागराज मंजुले की रिलीज हुई फिल्म झुंड का। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आप इसे झुंड नहीं टीम कह सकते हैं, और इस टीम के कैप्टन है डायरेक्टर नागराज मंजुले। मराठी फिल्मों के डायरेक्टर की यह पहली हिंदी फिल्म डेब्यू है, और जब आप यह फिल्म देखेंगे तब आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई डायरेक्टर अपनी पहली ही हिंदी फिल्म के अंदर अपने डायरेक्शन से कमाल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज रिलीज हुई फिल्म झुंड का, जिसके अंदर मैन हीरो है, या यूं कह सकते हैं कि फिल्म की जान है, अमिताभ बच्चन। फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन समाज सेवी विजय का रोल निभा रहे हैं, जो कि एक कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, और उन्हीं की कॉलेज के पास से सटी हुई एक बहुत बड़ी विशाल झुग्गी झोपड़ी बस्ती होती है। जी हाँ दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है जब अमिताभ बच्चन उन झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को एक प्लास्टिक के बॉक्स के साथ फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं, और जब उन्हें वह ये खेलते हुए देखते हैं तब उन्हें यह एहसास होता है कि इन बच्चों के पास भी बेहद संभावना है, इनके पास भी बेहद पॉजिटिव एनर्जी है और ऊर्जा है, बस जरूरत है तो उनकी इस एनर्जी और ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने की। धीरे धीरे अमिताभ बच्चन का उन बच्चों के लिए इंटरेस्ट, या यूं कह सकते हैं कि रुझान बढ़ता है, और जब वह उनसे मिलने झुग्गी झोपड़ी के अंदर जाते हैं तब अमिताभ बच्चन को यह जानकर आश्चर्य होता है कि यह बच्चे अपना जीवन चलाने के लिए चलती हुई ट्रेन से चोरी करते हैं, शराब और गांजे जैसा का व्यापार करते हैं, और भी कई दूसरे असामाजिक तत्वों वाले काम करते हैं। फिर अमिताभ बच्चन के दिमाग में एक आइडिया आता है, वह इन बच्चों को लेकर एक स्लम सॉकर टीम बनाते हैं, और धीरे धीरे पैसे का लालच देकर इन सभी युवाओं को, जो कि झुग्गी झोपड़ी के अंदर बेहद अभाव में जिंदगी बिता रहे हैं, उनको एक फुटबॉल टीम के रूप में साथ लाते हैं और उन्हें लगातार कोचिंग देते रहते हैं, और जब वह एक टीम बन जाती है तब उस टीम का अपने ही कॉलेज की फुटबॉल टीम के साथ मैच करवाते हैं। उसके बाद की कहानी फिल्म की मैन जान है, इसलिए अच्छा होगा कि आप यह फिल्म सिनेमा हॉल में जाकर देखें। बात करें फिल्म के अंदर परफॉर्मेंस की, तो लीजेंड अमिताभ बच्चन ने अपने लगभग 50 साल के करियर में बेहद कमाल के अभिनय वाले कई रोल किए हैं, लेकिन फिर भी यकीन मानिए, जब आप अमिताभ बच्चन को इस कोच वाले रोल में देखेंगे तब आपको लगेगा कि उनका यह बेमिसाल अभिनय है, और उनके अभिनय के आसमान में एक और चार चांद वाली फिल्म है यह। बात करें फिल्म के दूसरे एक्टर्स की, तो फिल्म के अंदर सैराट फिल्म्स के एक्टर भी है, और एक अंकुश करके भी है, जिनको अमिताभ बच्चन के बाद में बेहद सबसे ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिला है। लगभग हर कैरेक्टर ने अपने रोल को अच्छे से प्ले किया है और फिल्म के अंदर अपना 100% दिया है। वैसे तो यह स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म है और एक रियल हीरो विजय की कहानी है, जिन्हें 2012 के अंदर खुद सचिन तेंदुलकर ने रियल हीरो अवार्ड से सम्मानित किया था। इन्हीं की स्लम सॉकर टीम से एक प्लेयर भारत की फुटबॉल टीम में भी सेलेक्ट हो चुके हैं। अब बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक की, तो फिल्म के म्यूजिक के अंदर जितने भी गाने हैं वह सभी मोटिवेशनल सॉन्ग है, या इस टाइप से लिखे गए हैं ताकि उन गानों को सुनकर ऐसे लोग जो अभावों में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं उनमें भी कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा हो। फिल्म का मेन गाना है आया ये झुंड है, जो कि फिल्म के बैकग्राउंड के साथ चलता रहता है। कुल मिलाकर फिल्म झुंड एक बेहद ही अच्छी और कसी हुई स्क्रिप्ट के साथ फिल्म है, और यह फिल्म कुछ कुछ आपको शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया की याद दिलाएगी। अब बात करें अगर फिल्म के माइनस पॉइंट की, तो फिल्म के सबसे बड़ा लूज पॉइंट है इस फिल्म की लेंथ। जी हाँ दोस्तों, लगभग 178 मिनट की यह फिल्म आपको थोड़ी सी लंबी लगती है, और इसका सबसे बड़ा कारण है फिल्म के फर्स्ट हाफ के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं उनको इंट्रोड्यूस कराने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर फिल्म की लेंथ 15 से 20 मिनट या 25 मिनट कम होती तो यह फिल्म ज़्यादा कसी हुई लगती। तो यह थी बात आज रिलीज हुई फिल्म झुंड की।
अगर आप स्पोर्ट्स लवर है और स्पेशली फुटबॉल के, तो आपको यह फिल्म सिनेमा हॉल्स में जाकर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यह फिल्म आपको बेहद पसंद आएगी। यह एक टाइप की कॉमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है, यह रियल हीरो की कहानी है, जो कि खेल और सोशल संदेश यानी सामाजिक संदेश को मिक्स कर बनाई गई है। और डायरेक्टर नागराज मंजुले का एक बेहद ही खास, यूँ कह सकते हैं कि बेहद ही खास तोहफा है उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में हार मानकर बैठ जाते हैं। तो यह थी बात आज रिलीज हुई फिल्म झुंड के बारे में। जल्दी मुलाकात होगी नए किसी फिल्म्स के रिव्यूज के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त निखिल आपसे विदा चाहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।